गुरु रविदास जी महाराज का 644वां जन्मदिन रियासी में भी मनाया जा रहा है। ऐसा राज चाहूं जिसमें सबको मिले अन्न, छूट बड़ा सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। जयंती आज रियासी में मनाई जा रही है और शोभा यात्रा इस मौके पर निकाली जा रही है। तमाम लोग आज कल गुरु की व्यक्ति बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने खुशी के तमाम लोग हैं और इस समय वनी नो इंसान को मोहब्बत और प्यार और भाईचारे का पैगाम आज का दिन देता है। ये इंतहाई खुशी का इजहार है। हम चाहते हैं दुनिया में अमन रहे और हमारा देश में अमन आए, देश तरक्की करे और आगे बढ़े, यही संदेश है। और सब मिलजुल कर भाईचारा कायम करें, यही संदेश है गुरु रविदास जी का। युवा काफी जोश में नाचते हुए दिख रहे हैं, आप भी नाचेंगे आज? अभी नाचने वाला हूँ, अभी नाचूंगा। प्रशासन के अधिकारी बाबूराम जी हमारे साथ हैं और शोभा यात्रा गुरु रविदास जी की जयंती के मौके पर निकाली जा रही है। सर, क्या पैगाम रहेगा आपका आज इस खास मौके पर? गुरु रविदास जी महाराज का 644वां जन्मदिन पूरे मुल्क, पूरे दुनिया की तरह रियासी में भी मनाया जा रहा है। और गुरु रविदास जी का जो संदेश था, जो पैगाम था समाज और सोसाइटी के लिए, वो प्रेम, भाईचारा, एकता, तरक्की, यानी उन्होंने अपने एक दोहे में ही कहा है, मैं ऐसा राज चाहूं जिसमें सबको मिले अन्न,
छूट बड़ा सम बसे रविदास रहे प्रसन्न, यानी उन्होंने ऐसी कल्पना की थी एक मुल्क की, समाज की, जिसमें सब लोग खुशहाल हों, प्रेम हो, भाईचारा हो, एकता हो, खुशहाली हो और सब लोग जो हैं संपन्न हों, बराबर हों, खुशहाल हों। और मेरा यही संदेश है, मैसेज है इस पूरे सोसाइटी को, हम प्रेम से रहें, प्यार से रहें, भाईचारा से रहें, छोटी मोटी जो दीवारें हैं उनको दूर करके लोगों को इकट्ठा रहें प्रेम प्यार से, और नौजवान जो हमारी तरक्की करें, खुशहाल रहें। आज क्या क्या कार्यक्रम किए जाएंगे? अभी शोभा यात्रा निकाली जा रही है, इसके बाद क्या क्या कार्यक्रम? इसके बाद जो एज यूजुअल हस्व महमूल वहाँ श्रद्धांजलि दी जाती है और श्रद्धांजलि के बाद लंगर अर्पण किया जाता है संगत को। जी शुक्रिया, शुक्रिया बहुत बहुत। तो गुरु रविदास जयंती पर रियासी में शोभा यात्रा निकाली गई, इसके अलावा भी कई कार्यक्रम किए जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।